पहली बार देखा गया कि अभिनव शुक्ला को भी गुस्सा आया, और अभिनव शुक्ला का गुस्सा जायज था या नाजायज, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। कल दरअसल जब बिग बॉस के घर में सलमान खान वीकेंड का बार पर आए, तो रूबीना द लैक पर कई सारे एलिगेशन लगे, जिस पर अभिनव शुक्ला जो है वो इस बात को कहते हैं कि तुम इस फिंगर से अफेक्ट हो चुकी हो, तुम जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और मैं उस चीज को भी नहीं कहता, तुमने जो बातें कही हैं मेरे लिए, मुझको ये बातें जो है तुमने कहीं ना कहीं जो तुमने कही है वो बहुत बड़ी बातें थी, और तुम इस बात से अफेक्टेड हो रही हो। जिस पर सलमान खान जो है वो अभिनव शुक्ला के विरोध जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि तुम सच में चाहते हो अभिनव की वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर सबके सामने आए। तो यहाँ पर अभिनव कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता, तो कहते फिर तुमने यही क्यों उठाया। तो यहाँ पर सलमान खान जो है वो कहीं ना कहीं ये रोकते हुए नजर आए, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो रॉन्ग है इस चीज में, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें कही गई है अर्शी खान द्वारा और जिस तरीके की चीजें जो है वो कही गई है, इन सब चीजों में चीजें जो है बहुत बिगड़ती हुई नजर आ सकती थी। खैर, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से बाद में सलमान खान के जाने पर अभिनव शुक्ला और अर्शी खान के बीच में जो फाइट हुई है, उस फाइट पर अर्शी खान जो है वो खानदान तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि रूबीना द लैक ने उनको कहा कि तुम अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को ट्विस्ट करके सामने रख रही हो और ये जो है वो गलत बात है। और यहां पर वो रूबीना के साथ में भिड़ती हैं और रूबीना के साथ भिड़ते हुए में पूरे खानदान पर चली जाती हैं, और इस बात पर अभिनव को काफी गुस्सा आता है, कहती है जा और तू मुझे फोड़ के दिखा, आज बिग बॉस के घर में मैं देखना चाहता हूँ कि ये फोड़ने का मतलब क्या होता है, तू फोड़ के दिखा। जिस पर रूबीना द लैक साइड हो जाती है और अभिनव शुक्ला जो है बिल्कुल फ्रंट ऑफ में आ जाते हैं, और अभिनव शुक्ला से बार बार कहती है अर्शी खान की अगर मेरे साथ में कोई गलत करेगा या मुझे कुछ बोलेगा तो मैं खानदान पर जाऊंगी। वेल, आपको कितना जायज लगता है यह झगड़ा अर्शी खान या अभिनव शुक्ला, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।